अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त कुरंगी वीटा चुरंगी के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इसी इलाके में मौजूद है, यानी कि ये इंडस्ट्रियल जोन है। और दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की मईशत में सबसे बड़ा जो हिस्सा या शराकतदारी होती है वो इस इलाके की है। यहाँ पर ना सिर्फ गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ हैं बल्कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जिनका पाकिस्तान की दरामद और बरामद में बड़ा हिस्सा होता है, यानी कि बहुत बड़ा टैक्स का हिस्सा देती हैं। ये मजदूर हैं, उनके लिए दरिया माश भी इसी इंडस्ट्रियल जोन से वाबस्ता है। लेकिन इसकी हालत इंतहाई अबतर है। ये हालत ज़ाहर दिखाने के लिए मैं यहाँ ख़ासतौर पर आया हूँ कि इस इंडस्ट्रियल एरिया, इस इंडस्ट्रियल जोन, और दावा जो किया जाता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो मईशत का इसका हिस्सा होता है इस इंडस्ट्रियल जोन का, इसकी हालत ज़ाहर और हालत ख़राब होने की असल वजह क्या है और असल जो मामलात हैं कि हालत इसकी बेहतर नहीं की जा रही, वजह क्या है, वो सारी तफसीलात मैं ये बताने के लिए, दिखाने के लिए आपको आया हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ के लोगों से ही बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि यहाँ के मज़दूरों से ही बात हो जो यहाँ इस इंडस्ट्रियल जोन की हालत ज़ार ख़राब होने की वजह से, गंदगी और कीचड़ की वजह से उनको आने जाने में क्या तकलीफ़ होती है और ख़ासतौर पर कारोबारी शख्सियात को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में। वीटा चुरंगी के पास सर्विस रोड मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है, कीचड़ से भरा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ का जो नाला है फुटपाथ के नीचे, वो मुकम्मल तौर पर कचरे से भर चुका है। और उसके बाद फिर जो मेन रोड है वीटा चुरंगी से जफर चुरंगी की तरफ जाने वाला, बिलाल चुरंगी की तरफ जाने वाला, वो भी मुकम्मल तौर पर कीचड़, गंदे पानी और गलाजे से भरा हुआ है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस गंदगी और गलाजत की वजह से यहाँ से जो यहाँ पर जो कारोबार करने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, यहाँ से जो हज़ारों शहरी इस रोड से यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है, जिनको उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और उसके बाद साथ ही साथ सर्विस रोड जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है, कीचड़ से भरा हुआ है। और कहा जा रहा है कि जो बरसात हुई थी गुज़श्ता बरसात के बाद से इस नाले को ना साफ़ किया गया है और ना ही यहाँ से कीचड़ और गंदगी को जो है साफ़ किया जा रहा है। अब मालूम नहीं कि जो यहाँ के DMCs है, KMC है और मुतलका जो इदारे हैं वो कहाँ चले गए हैं कि उनको इतने बड़े कारोबारी इंडस्ट्रियल जोन जो है, कारोबारी जो इलाका है, उसकी ये हालत ज़ार जो है वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे ये भी बताया गया कि पूरा दिन ट्रैफिक पुलिस वालों को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि जब ट्रैफिक जाम होती है इस कचरे की वजह से, इस पानी भर जाने की वजह से, तो वो पूरा दिन ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए पूरा दिन अपना लगा देते हैं, रात तक जो है वो लगा देते हैं, उनको भी शदीद मुश्किल का सामना है। मैं जगह जगह जाऊँगा, कोने कोने जाऊँगा इस सारे रूट पर, आप मेरे साथ रहिएगा ताकि यहाँ के मसाइल अब हम आगे तक पहुँचा सकें। इस मसाइल तक ये मसाइल यहाँ के जो शहरियों को मुश्किल का सामना है, यहाँ के जो कारोबारी शख्सियात को मुश्किल का सामना है, आप भी मेरा इसी तरह साथ दें आगे तक पहुँचाने के लिए। मेरे साथ इस वक्त एक मजदूर मौजूद हैं ताकि ये मामला असल हकीकत आप तक पहुँचे, जो इस मामले को हल करने वाले हैं उन तक ये बात पहुँचे, यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं, जो मज़दूर हैं, उनकी तकलीफ़ का उनको एहसास हो कि इस कीचड़, गंदगी और गलाजत की वजह से मज़दूरों को क्या मुश्किल का सामना है, यहाँ के कारोबारी शख्सियात को क्या मुश्किल का सामना है। अब ये बताइएगा कि ये आप पूरा सर्विस रोड ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, क्या वजह है, क्यों साफ़ नहीं हो रहा और क्या मुश्किल होती है? ये 20 दिन से हो गया है, हम आ रहे हैं, मिल से तंग बहुत हो रहे हैं, हम जैसे सेटअप हैं आगे गाड़ी है पीछे गड्ढा के हम जाएँ, नाला खुला है, 20 दिन हो गया। ठीक है, ठीक है, इनका ये क्या बहुत होती है? ठीक है, यहाँ पे चूँकि एक सर्विस रोड पे पूरा कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी है और बिल्कुल आप ये ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर गुजर गए तो सिकंदर, वरना कीचड़ के अंदर की सूरत हाल है। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर ये जो नाला है जिसकी जो फुटपाथ भी था, ये इसको जगह जगह से खोल दिया गया है, अब यहाँ पर भी लोगों को, यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको मुश्किल का सामना है। उसके बाद फिर अगर हम मेन रोड की बात करें, यहाँ से ट्रैफिक का बहुत बड़ा हिस्सा वीटा चुरंगी से बिलाल चुरंगी की तरफ जाता है, वो भी तकरीबन 2 ट्रैक का जो हिस्सा है वो कीचड़ से भरा हुआ है। और उसके बाद फिर एक हिस्से से ट्रैफिक गुजर के जाता है, दोपहर में चूँकि वीडियो बना रहा हूँ, कहा जा रहा है कि शाम में और सुबह के अवकात में यहाँ मुकम्मल तौर पर आने जाने वाले ट्रैक पे ट्रैफिक भी जाम होती है। मज़ीद भी लोगों से बात भी कराता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो जिन इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनको क्या मुश्किल होती हैं वो भी आपको दिखाएँ, ताकि एहसास हो ये जो जिम्मेदारान हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है इस जगह को साफ़ करने। बहुत ज़्यादा है,
यहाँ पे जो है ये सुबह सही होता है, शाम में 3 बजे के बाद नाला भर जाता है, पानी इतना रोडों पे आ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, आवाम पैदल नहीं चल सकती है यहाँ पे। ये लोग लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पे ये लाइन है ना ये चौक है सारी, सही है। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है, और ये जो है ये रोज़ाना का मामूल हो गया है ये, ठीक है। आप अपील करेंगे, हुकूमत से क्या कहेंगे, इसको क्या करेंगे? हाँ वो कर भी रहे, नहीं भी होता है, सारा दिन वो बैठे हुए हैं, मजदूर भी लगे रहते हैं वहाँ पे, मशीनें लगी हुई हैं, फिर भी ये चौक यहाँ से ये नाला चौक है ये लगे हुए वहाँ पे हैं, ये नाली खोदी हुई है, यहाँ से पानी जाता है, लेकिन इसकी वजह से पानी बहुत कम हो जाता है, लेकिन 5 बजे आके देखना यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये विटा चुरंगी है और ये जो ना मिल इंडस्ट्रियल एरिया है, जो ना आवाम को बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है शाम में 5 बजे के बाद, बहुत ज़्यादा मजीद जाम हो जाता है, लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को जो है ना चाहिए कि इस पे तवज्जो की जाए। ये इशू क्या है यहाँ पे, पानी जाता क्यों नहीं है, रोड पे पानी क्यों आता है सर? ये पानी इसलिए नहीं जाता है यहाँ से कि कहीं से ना कहीं नाला बहुत जाम लगा हुआ है, चौक हुआ है नाला, ठीक है। तो हुकूमत को अपील की जाती है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। हाँ भाई जान, ये बीटा चुरंगी है या हमारा, हम रक्षे वाले यहाँ लोग खड़े होते हैं, ये जो नाला है नाले की सीध में ये पूरी खुदाई होगी, ठीक है। ये वहाँ बीच में लाइन चौक है, जब तक ये नई खुदाई होगी, लाइन नहीं साफ होगी, ये मसला रोज़ाना चलता रहेगा ये, ठीक है ना। बाकी ये इधर लगे हुए हैं, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं कोने पर बीच में, वहाँ सब बेकार है, जब तक ये लाइन नहीं खुदेगी ये मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि पूरी लाइन आ रही है, बड़ी लाइन है, मेन लाइन यही है, पीछे का पानी इधर ही आता है सारा, ये पूरा सैलाब बन जाता है यहाँ पे। मैं अब वीटा चुरंगी से थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया हूँ, तकरीबन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की भी आगे चलकर भी इसी तरह की सूरत हाल है कि जगह जगह जो फुटपाथ के अंदर से जो बनाया गया था नाला, वो उसके ऊपर से स्लैब जो हैं वो हटाई गई हैं, पानी तेज़ी से जा रहा है, लेकिन पानी ओवरफ्लो होने की वजह से सर्विस रोड पे आ जाता है और उसके बाद फिर मेन रोड पे भी चला जाता है, जिसकी वजह से कीचड़ भर चुका है। एक और मज़दूर मेरे साथ हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या मुश्किल होती है यहाँ से? यार उस आया है, लेकिन बहुत पानी पड़ा है रोड में, रास्ते का बहुत मुश्किल है, और रोड देखा सारा बंद है, लोगों का बहुत मुश्किल है, गाड़ियों का बहुत मुश्किल है, जिसका हुकूमत लाजिम गौर चाहिए इन पर, ये बड़ा शहर है पाकिस्तान का दिल है, इसका लाजिम कुछ ना कुछ चाहिए, इस पर पैसा खर्च कर रहा है, लोगों का बहुत तकलीफ है, ये तो ये रोड देखो सारा रोड काला पानी पड़ा है, मिट्टी पड़ा है, इसके साफ करना चाहिए, ठीक है। असल में इस सारे जो पानी है यहाँ, चूँकि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो इस पानी के साथ केमिकल भी मिला होता है, वो जब केमिकल वाला पानी जब रोड पे आता है तो उसके बाद फिर गाड़ियों के जो टायर हैं, गाड़ियों की जो ओवरऑल जो मशीनरी है उसको भी काफ़ी ये जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है, ख़राब है। लेकिन इसके जो आगे का हिस्सा है वो काफ़ी ख़राब है, नाले का चौक होने की वजह से पानी अब सड़क के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से आने जाने वाले शहरियों को काफ़ी मुश्किल आते हैं। मैं मज़ीद कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद लोगों से ही बात करूँ, ताकि इन लोगों के मसाइल, इन लोगों का जो तकलीफ है वो आप तक। ये तकरीबन 5-6 महीने हो गए ख़राब पड़ा हुआ है, ठीक है, बंद हो जाता है, फिर सारा पानी रोड पे आ जाता है, ठीक है, फिर गाड़ियों के भी लेने लग जाती है और हमें भी फिर मुश्किल हो जाता है आने का, ड्यूटी पे जाने के लिए। तो इस इलाके में मज़ीद क्या क्या है, मतलब फैक्ट्रियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? फैक्ट्रियाँ तो सारा ये मलेरिया है, फैक्ट्रियाँ तो बहुत है यहाँ पे, ठीक है। हाँ फिर आवाम बहुत मुश्किल से आना जाना करता है फैक्ट्रियों काम पे। तो हुकूमत से क्या अपील करेंगे, क्योंकि ये DMC का काम है, KMC का काम है, जो कमिश्नर हैं, AC हैं, DC हैं, ये उनका काम है इस इलाके को साफ करने का, सारा तो उनका काम है ना, ठीक है, फैक्ट्री वालों का काम तो नहीं, उनका ही काम है। जी जी, बस यही मसला है हमारे लिए, अगर ये मसला हल हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरफ आ जाइएगा, ये काफ़ी वहाँ से मैं पीछे से बात करता हूँ आ रहा हूँ लोगों से, कि लोग बहुत परेशान हैं, सर्विस रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है शाम के टाइम खास तौर पर, तो क्या फैक्ट्री में जो काम करते हैं क्या मुश्किल नहीं हो रही काम करने में? यह सर बिस्मिल्लाह, सब सबको मुश्किल होती हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़ी भी आ रहे हैं, औरत भी आ रहे हैं ना,
सबको मुश्किल है। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि ये साफ करे और लोगों को साफ माहौल फराहम करे। ठीक है, हाँ आपका बहुत शुक्रिया। असल में ये ऐसा इलाका है क्योंकि ये दूर दराज इलाकों में पड़ता है कराची के, कराची के अगर पोश एरियाज हों वहाँ पर अगर एक गटर भी उबलता है तो सारे मीडिया की तवज्जो वहाँ पर लग जाती है। उसके बाद फिर इंतज़ामिया भी जो रेड जोन या आसपास के इलाके हैं उनकी तवज्जो भी वहीं पर होती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो कराची की मईशियत में, पाकिस्तान की मईशियत में सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा करने वाला इलाका है वो यही मिल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन इसकी हालत इजहार पर किसी की तवज्जो नहीं है, ना मीडिया की तवज्जो है कि मीडिया इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट करे, क्योंकि जितनी ज़्यादा खबरें चलती हैं उतना ज़्यादा हुकूमत जो एक्टिव होती नज़र आती है, उतनी ज़्यादा मसाइल हल करती हुई हुकूमत नज़र आती है। और उसके बाद फिर हुकूमत की अगर कहीं खुद भी तवज्जो पड़ती है या आना जाना होता है तो तब भी हुकूमती अहदेदार या जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी कुछ ना कुछ बेहतर कर देती है। लेकिन ये इलाका पैसा तो सब कुछ देता है, सबसे ज़्यादा पैसा फराहम करता है, लेकिन इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। और ये जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ से पे इस नाले के भर जाने की वजह से, इस कचरे के भर जाने की वजह से, सेवरेज का पानी सड़कों पर आने की वजह से यहाँ से जो यहाँ पर जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको भी बेहद मुश्किल का सामना है। अब जो बताया गया है कि वीटा चुरंगी से बिलाल चुरंगी आने जाने वाला जो दोनों रास्ते हैं वो जाम हो जाते हैं इस वजह से कि सेवरेज का पानी नाले के ऊपर चला जाता है। और नाला साफ करने के लिए कुछ अर्सा पहले यहाँ मशीनरी लगाई गई थी लेकिन वो भी कारामद साबित नहीं हुई, क्योंकि वीटा चुरंगी के मेन मरकज़ में यहाँ पर जो नाला है, यहाँ से नीचे से जो रोड के नीचे से गुजरता है वो मुकम्मल तौर पर चौक हुआ हुआ है, जिसकी वजह से निकासी आब जो है वो उसके लिए मसला पैदा हो रहा है। साइडों से छोटे मोटे गटर तो साफ़ किए जाते हैं लेकिन मेन और बुनियादी जो काम है वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को, यहाँ के आने जाने वाले लोगों को, यहाँ की ट्रैफिक को और हज़ारों शहरी यहाँ से गुजरते हैं उनको जो है काफ़ी मुश्किल का सामना है। सर्विस रोड बंद होने की वजह से लोगों को यहाँ से रोंग जो है वो वीटा चुरंगी की तरफ जाना पड़ता है, यानी कि इतनी ज़्यादा मुश्किल हैं, इतने ज़्यादा मसाइल हैं। अगर मीडिया तवज्जो दे, हमारे हुकूमती अहदेदार तवज्जो दें, और वीडियो बनाने का भी ये मकसद था कि ऊपर तक आवाज़ पहुँचाएँ जो करता धरता है, जो सुनते हैं, जिनकी एक उंगली के इशारे पे पूरा शहर नाचता है, तो वो अगर एक इशारा क्या है उससे कम भी करेंगे तो ये इलाके का मसला जो है हल हो जाएगा, जो कि बताया गया है कि दरीना और बुनियादी मसला है कि ना सिर्फ इसके भर जाने की वजह से, कीचड़ की वजह से कारोबारी शख्सियात को, कारोबारी जो मराकज़ हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो मामूल के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर जो काम करते हैं उनको भी जो है इस कचरे और इस पानी भर जाने की वजह से, इस गलादत की वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।